बलरामपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों में गठित पुलिस एंटी रोमियो टीम द्वारा सार्वजनिक स्थल, बाजार, चौराहों आदि पर भ्रमण कर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन हेतु महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से बाजारों व सार्वजनिक स्थानों व गाँव में जाकर महिलाओं व बालिकाओं को 1090 वीमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया गया। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। अयोध्या के नया घाट स्थित श्री राम जानकी महल ट्रस्ट में इंडियन बैंक के द्वारा संत समाज का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम इंडियन बैंक के महाप्रबंधक श्री पंकज त्रिपाठी के संरक्षण में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री राम बल्लवा कुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास व पूर्व सांसद विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामविलास वैदांती, श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, हनुमानगढ़ी के महंत कल्याण दास, राम जानकी महल ट्रस्ट अध्यक्ष दिलीप सुल्तानिया मौजूद रहे। तो वहीं संत सम्मान समारोह में लखनऊ के इंडियन बैंक के महाप्रबंधक पंकज त्रिपाठी और उप महाप्रबंधक प्राणेश कुमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का इंडियन बैंक प्रबंधक संदीप गुप्ता ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान समारोह में डॉक्टर रामविलास वैदांती व महंत राजकुमार दास के कर कमलों के द्वारा 200 से ज्यादा संतों को सम्मानित किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वैदांती ने बैंक के सभी बड़े अधिकारी और कर्मचारियों को इस संत सम्मान समारोह की बधाई दी। हमारी शाखा जो है पिछले 25 सालों से कार्यरत है। पहले ये इलाहाबाद बैंक की शाखा कहलाती थी, श्री राम जानकी महल ट्रस्ट शाखा। 2 साल पहले इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में विलय हो गया, तब से ये इंडियन बैंक कहलाता है। अभी इंडियन बैंक की शाखा है और हम पिछले लगातार जब से यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ के साधु संतों को, साधु समाज को, महंतों को, सभी भक्तगणों का की सेवा करते आए हैं बैंकिंग के माध्यम से। जब भी वो हमारे शाखा में आते हैं, ससमय उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, बैंकिंग संबंधी ज़रूरतें पूरा करना हमेशा करते आए हैं। और हमारा परम ध्येय रहा है, हमारे बैंक का परम ध्येय रहा है कि हमेशा ग्राहक संतुष्टि में उत्कृष्ट स्थान पर हम लोग रहें हमेशा, और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा देते रहें अपने ग्राहकों को। उसी के मद्देनज़र हमने आज यहाँ पर साधु समाज संतों का, साधु संतों का की सेवा आशीर्वाद प्राप्त, सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करने का एक आयोजन किया था, जिसका अभी यहाँ पर आयोजन चल रहा था। लगभग 200 लोग साधु संत महंत जो सभी लोग आए थे, उन सभी लोगों का सम्मान किया गया है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे पूर्व सांसद अति गुणी, अति विशिष्ट, अति प्रसिद्ध श्री वेदांती जी महाराज थे, और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे श्री जी जो अधिकारी बाकुंज जानकी घाट अयोध्या के हैं वो थे। बड़ा ही अद्भुत माहौल बना था और बड़े ही प्रसिद्ध अन्य साधु लोग भी थे अन्य मंदिरों से और अन्य घाटों से। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918
7810000। फरुखाबाद थाना क्षेत्र के समसाबाद में पार्टी कार्यकर्ता विश्व प्रकाश चतुर्वेदी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ग्राम बाजुले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर महापुरुषों को याद किया, मिठाई बांटी, खुशियां मनाई। पार्टी कार्यकर्ता शिव प्रकाश चतुर्वेदी, राहुल गंगवार, साकेत गंगवार, अंकित गंगवार, नवनीत सैनी आदि लोग मौजूद रहे। हमारा अपना दल राज स्तरीय की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की बन गई है, इसलिए हम लोगों ने मिलकर मिठाई बाटी है और अंबेडकर जी पर माल्यार्पण किया, बुद्ध भगवान पर माल्यार्पण किया। कितने लोग? लगभग 150 लोगों की भीड़ में मिलकर हम लोगों ने किया। जी जी, धन्यवाद। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। सिद्धार्थनगर में प्रेमी से मिलने गई प्रेमिका को पकड़कर ग्रामीणों द्वारा तालिबानी सजा देने का वीडियो सिद्धार्थनगर जिले में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने शोहरतगढ़ थाने में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। वायरल हो रहा वीडियो, ये वीडियो शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के मधवापुर के पुरैना का बताया जा रहा है। लोगों की माने तो ये वीडियो करीब 7 दिन पुराना है। वायरल वीडियो में ग्रामीण प्रेमिका को पकड़ फिल्मी अंदाज में चैनल में रस्सियों से बांधकर गाली गलौज करते, डंडों से लैस दिखाई पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों शादीशुदा हैं और इसी गांव के हैं। प्रेमिका का पति कामकाज के सिलसिले में राजस्थान रहता है, अपने प्रेमी से मिलने उसके घर गई थी। इसी बीच ग्रामीणों ने देख लिया और प्रेमिका को रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रेमिका के पकड़े जाने पर प्रेमी मौके से फरार हो गया और लोगों ने प्रेमिका को पकड़कर उसे गांव वालों के सामने ये तालिबानी सजा दी। हमने गांव का टूटा नहीं है। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी सदर थाने की पुलिस और सर्विलांस टीम ने 48 घंटे के अंदर एक लूट की घटना का खुलासा किया है। आपको बताते चलें कि 3 अगस्त की शाम को एक खाद व्यापारी से लुटेरों ने 51,000 रुपए लूट लिए थे। यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। आज पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के चुनपुरवा मोड़ से इन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त क्रम मुलजिम और इरफान तीनों सदर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के निवासी हैं। ये तीनों नशे के आदि हैं। ये कई दिन से खाद व्यापारी अब्दुल रहमान की रैकी किया करते थे। 3 अगस्त को तीनों ने खाद के दुकान से निकलते ही अब्दुल रहमान का पीछा किया और सुनसान जगह देखकर उसे रोक लिया। व्यापारी ने जब इसका विरोध किया तो पीट कर रुपए से भरा झोला लेकर बेफरार हो गए। इस घटना के बाद से ही पुलिस हरकत में आ गई। एसपी से इस घटना के खुलासे के लिए एसओजी टीम को लगा रखा था। आज इनको गिरफ्तार करके पुलिस ने राहत की सांस ली है। इनके पास से लूट के 51,000 रुपए, मोबाइल, टिफिन को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके साथ ही एसपी ने इस घटना का खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपए का इनाम दिया है। तीन अगस्त की शाम को इसमें वादी अब्दुल रहमान
जब अपनी दुकान से घर को वापस जा रहे थे तो बख्तावरपुर रोड के पास इनके साथ लूट की घटना हुई। इसमें थाना सिद्धार्थनगर की टीम एवं SOG ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 48 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण किया है और इसमें 100% बरामदगी की है। जो पकड़े गए 3 अभियुक्त हैं अकरम, मुजम्मिल, इफराक, ये तीनों ही कल्याणपुर थाना सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। इनके पास है कुल 51,000 रुपये और जो झोला जो उन्होंने लूटा था वो भी बरामद किया गया। साथ ही जो वादी का टिफिन था, चश्मा था, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, उसके जो बैंक की पासबुक और आधार कार्ड और एक लूट साथ में जो इनकी दवाई की शीशी थी ये भी इनके पास से बरामद की गई है। टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए इनके सराहनीय कार्य के लिए इनको 15,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया। इसमें मोबाइल इसको बरामद किया गया है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और भी जो इन्हें तथ्य है उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, DJ साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। मैनपुरी शहर स्थित माँ शीतला देवी प्रांगण के कांदवरी मंच पर आयोजित आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैनपुरी बेसिक शिक्षा अधिकारी के सौजन्य से विशेष तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ठाकुर जयवीर सिंह ने माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तो वहीं पर जनपद के समस्त विकास खंड क्षेत्रों से आए विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं टीचर्स के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें ये कार्यक्रम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान के तहत मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम लगातार 15 अगस्त तक चलाते रहेंगे। सरकार की यही मंशा है कि देश के प्रति तिरंगे को कभी ना भुलाया जाए और इसको हमेशा याद रखा जाए, जिसके लिए प्रदेश व देश की सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया और हर घर तिरंगा फहराने का कार्य किया। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि ने बताया कि इस तिरंगा अभियान को चलाने का मकसद ये है कि जिन देश के सपूतों ने, वीर जवानों ने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको समय समय पर याद किया जाए और इस तिरंगा अभियान के तहत उनको याद रखा जाए किस तरह से उन्होंने अपना बलिदान देकर देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाकर देश को आज़ाद कराया। अपने योग साधना, जिनके अभी दूध के दांत भी पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाए, अपने योग साधना से, अपने झलकते हुए प्राण से मजबूत कर दिया हम सब लोगों को, देशभक्ति के साथ मजबूत करें। और जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, CC रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918781000। राजस्थान के दौसा रामगढ़ पचवारा में भाजपा नेता रामविलास डूंगरपुर के नेतृत्व में शनिवार को रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में जल क्रांति को सफल बनाने को लेकर प्रचार प्रसार किया गया। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आदिवासी हाईकोर्ट नांगल राजावतान में जल आंदोलन को सफल बनाने को लेकर शनिवार को रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में पीले चावल बांटकर 9 अगस्त को आदिवासी हाईकोर्ट पर जल आंदोलन में पहुँचने का निमंत्रण दिया गया। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत।
बुलंदशहर खुर्जा नगर पालिका के ड्राइवरों ने की हड़ताल। 7 महीनों से वेतन नहीं मिलने पर भुखमरी के कगार पर है ड्राइवरों का परिवार। खुर्जा नगर पालिका में तैनात सभी ड्राइवरों ने की हड़ताल। हड़ताल होने की वजह कूड़ा नहीं उठने पर शहर के लोगों को हो रही काफी परेशानी। जगह जगह गंदगी का पड़ा अंबार, बुलंदशहर के खुर्जा नगर पालिका का है मामला। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। राजस्थान के बारा के अलवाड़ा थाना अंतर्गत 1 अगस्त सोमवार से लापता युवक नारायण लाल पुत्र बाबू जाति तेली उम्र 50 वर्ष निवासी समरानिया की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई, जिसका शव मृतक युवक के खेत के पास नदी में मिला, जिसकी पहचान नारायण लाल के रूप में हुई। मौके पर उपाधीक्षक स्योराज मलमीड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र जैन, थानाधिकारी महेंद्र यादव मय जाफ्ते के मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल पर पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी यादव ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। देखते रहिए
डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।